अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मुसद्दिक। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और अमूमन जो ईद के दूसरे दिन हमारी जो एनर्जी है ईद एंजॉय करने की वो अभी डाउन नहीं हुई होती, और मोस्टली ईद का जो दूसरा दिन है वो ख़वातीन जो है वो अपने मेके में गुजारती हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग करते हैं। रूहानी कैथारसिस जो हमारा रमज़ान में होता है उसके बाद स्पिरिट जो ईद के ऊपर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम दिल खोल के सबको गले लगाएं और वही कनेक्टिविटी और गैदरिंग का माहौल रखें जो अमूमन घरों में होना चाहिए या जिस स्पिरिट के साथ हम किसी दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाएं या गैदरिंग करें। तो इसी कनेक्टिविटी और गैदरिंग को जो आप अपने लाउंज में अपने घरों में एंजॉय करते हैं, हमने आज अपने स्टूडियो में एंजॉय करने के लिए इस गैदरिंग को दावत दी है। हामिद राणा साहब को ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अभी भी जब लोग इन्हें देखते हैं तो उनके जहन में एक ही नाम आता है, वो है सोना। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एशियन स्टडीज़ के साथ मुंसलिक हैं और उसके अलावा ये मुसन्निफ़ भी हैं और राइटर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है डॉक्टर खालिद साहब का कि ये बाय प्रोफेशन यानी पेशे के लिहाज से ये तबीब हैं, डॉक्टर हैं, और उसके अलावा बाय पैशन ये एक सिंगर हैं और मेहदी हसन साहब की गज़लें बहुत खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हामिद राणा साहब से। अच्छा सर, आप ईद की सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, आपकी ईद कैसी गुजरती है? भाजी, मैं तो इस ईद का आगाज ऐसे किया है कि मैं नमाज पढ़ के गायब हो गया। अच्छा। हाँ, वो ईदों वाले लेने वाले, तो मैंने कहा भाई महंगाई के वक्त के साथ चलना चाहिए, जो उसकी रफ्तार है ना महंगाई की उसी साथ चलूँ। अच्छा, ईद ही ना देनी पड़े इसकी। हाँ, मैं कहा मेरे पे पैसे है नहीं और मैं किसी से उधार मांगने गया, तो उसने कहा तो मैं तो आपकी तरफ आ रहा था उधार लेने के लिए, तो कैसे दें। बच्चों को मैंने समझाया कि मैं कहा देख मेहरबानी, चलो अगर लेनी तो आधी ईद ले लो। कहने हमने तो पूरी लेनी है। मैं कहा आप सब लोग बरसरे रोजगार है, अलबत्ता मैं क्या उल्टा करें। अब कहते हैं ना कि बड़ा आदमी जब होता है बूढ़ा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, क्योंकि बच्चे में और बड़े आदमी में ना एक फर्क होता है। कहते हैं बच्चा बन जाओ, बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसका सिर्फ ख्वाहिश होती है एक खलौना। तो जब हम कहते हैं बड़े को तुम परेशान हो, परेशानी ना सोचा करो, तुम फील ना किया करो, बच्चे बन जाओ। बच्चे बनने के लिए ज़रूरी है कि सारी ख्वाहिशात ख़त्म कर दें, तो फिर बच्चा बनता है। तो मैंने उनका देखो मैं अब बच्चा बन गया हूँ, आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे ईद दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर सर आपको मिली ईद? नहीं, फिर मुझे ही देनी पड़ी। फिर वो बेगम नाराज़ हो जाती है कि बच्चों को दें जी, हालांकि वो बोल रहे थे पता नहीं कैसे दिल गई हो कि जी पैसे दें ईद दें। सर ये जो बात अभी आपने की है कि बच्चों वाला एटीट्यूड के लिए ज़रूरी है कि ख्वाहिशात ही ख़त्म कर दें, कि पॉसिबल है इंसान के लिए? हाँ है, बिल्कुल। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं रखी हुई, लेकिन अल्लाह मुझे बहुत देता है और बहुत दिया हुआ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बाद में, तो बेटियां जहाँ ब्याहीं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ ठंडी हवा आती है, और जो जड़ी नवाइयाँ ने उस तीनों के बाद ने। अच्छा। तो लग की चाहिए मैं। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहिबा, आप कैसे सुबह का आगाज करती हैं? आपको खातून खाना है, ये मेरे ख्याल आपके ज्यादा हर डॉक्टर जो ना हर डॉक्टर पर दवाई पीता है फिर वो आगाज शुरू करता है। मेरे ख्याल है हमारे यहाँ तो ईद की तैयारी का आगाज रात से ही शुरू हो जाता है, और ये हमारे रिवायत है शब खेसी की, और खासतौर पे जो छोटी शब खेसी की रवायत तो अब आ गई है ना कि हम सहरी भी करके सोते हैं। बचपन में भी था कि बचपन में जो ईद की रात होती है चूड़ियाँ पहनने जाना है, मेहंदी लगानी है, और ये बच्चों को तो बड़ा शौक होता है, अभी भी जाते हैं बाजारों में तो। लेकिन अब ये है कि रात को कुकिंग करते हुए स्वीडिश रात को ही बन जाती है, सेवइयां जाहिर है कि सुबह बनाई जाती हैं ताज़ी, और खीर वगैरह और जो भी दूसरी स्वीडिश है। और आपका दूसरा दिन कहाँ गुजरता है? पहला दिन जो है वो तो घर में मेहमान आते हैं, दूसरे दिन हम जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में गुजर जाती है ये। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो रिवाज है खवातीन की खाना बनाते हुए ईद गुजरती है, खाना खाते हुए गुजरती है, बड़ी ईद पे भी यही होता है। ये बड़ा इम्बैलेंस कॉम्बिनेशन है। जी बिल्कुल, इम्बैलेंस नहीं है, बस इसी में खूबसूरती भी है, खुशी भी है, और ये हमारी एक रवायत है। और पहले तो ये होता था कि ईद से पहले ईद कार्ड खरीदना, उसकी रमजान में ही आखिरी अशरे में जो है ना लोग खुद भी बनाते होते थे, खुद भी बनाते थे ईद कार्ड, और इकट्ठे ईद कार्ड खरीद लेने, 100-200 जितने भी दोस्त हैं। अब तो मोबाइल आ गया ना, तो अब हम व्हाट्सएप पे, मोबाइल आ गया, लेकिन वो जो ईद कार्ड की खूबसूरती थी ना वो अभी भी उसी तरह, वो रिवायत जो है ना वो जहनों में हमारे ताज़ा है। और मैंने तो अभी भी कुछ ईद कार्ड संभाल के रखे हैं
जो मतलब जो मोहब्बत का इजहार कार्ड पे लिख के हो सकता था वो मैसेज के ऊपर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना वो फील आती है, बिल्कुल वो फील नहीं आती। मैसेज तो रिमूव हो जाता है ना, आप उसी वक्त अपने मोबाइल की मेमोरी से डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो जो कार्ड है वो आपके पास एक अमानत के तौर पे वो रहता है। अच्छा, ये मैंने बहुत से लोगों में टेंडेंसी देखी है, उन्होंने अभी तक पुरानी यादें कार्ड्स ये सब संभाले हुए हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी एक अच्छी रवायत थी, और भी बहुत सी रवायात थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं, और कुछ नई रवायात ने उनकी जगह ले ली है। जैसे अब डिजिटल ईद हो गई है। डिजिटल ईद का जब जमाना था सोना चांदी वाला, तो उस पे भी मतलब जो ड्रामास होते थे उसमें भी ईद दिखाई जाती थी, सोना चांदी में भी ईद होती थी और टप्पे ये गाते थे। अब इन्होंने ईदी का माहौल दिखाया जाता था कि इन्होंने ईदी ली है, लेकिन हमने तो आज इनसे ईदी लेनी है, ये हमारे बड़े सर अपने घर में नहीं दे रहे, हमें कहाँ से देंगे? आपको चक्कर देंगे। अच्छा, रमजान में हम जो फास्टिंग करते हैं ना, हमें उसके बाद डिजिटल फास्टिंग भी करने की जरूरत है। डिजिटल फास्टिंग से भी ना आपका कैथारसिस होता है। नहीं, आप बहुत प्यारी, मैं आपको तो ईद जरूर दूंगा। अच्छा, ईद में आपको मैं हौसला दूंगा और आपको चक्कर दूंगा। चक्कर भी देंगे, नहीं हम ईद ही आपसे लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा सर, आपका जो ये, आपसे मैं ये सवाल तो नहीं करूंगी कि ईद आपकी कैसी गुजरती है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आपका ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी अमूमन ये समझा जाता है जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत किताबी कीड़े होते हैं और वो बड़े खुश्क होते हैं, दवाइयाँ इंजेक्शंस और इनसे उनको नहीं फरागत होती, तो आपका रुझान जो है मौसीकी की तरफ कैसे आया? मौसीकी तो ये जो भी जिससे भी आप पूछेंगे वो कहेगा जी बचपन से। तो होता ही इस तरह है कि जब आप वॉइस संभालते हैं, किसी को क्रिकेट अच्छी लगती है, कोई बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है, कोई किसी और कामों में पढ़ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब रेडियो से गज़ल लगी होती है तो वही रुक जाते हैं, बाकी क्यों खेलते रहते हैं, एक बच्चा रुक जाता है यार ये क्या है। तो इस तरह ही हुआ, बस मेहदी हसन साहब की आवाज़ बचपन में 10-12 साल की उम्र में मेरे कान में पड़ी, जब रेडियो 10-12 साल की उम्र रेडियो से मैंने कहा कि यार ये क्या आवाज़ है। हालांकि अमूमन 10-12 साल के बच्चे को ना गज़लें अट्रैक्ट नहीं करती। तो मेरी एज के जो बच्चे थे उनको बाकी सिंगर्स पसंद थे, मुझे मेहदी हसन साहब पसंद थे। यार ये क्या इतना मुश्किल सा काम, तुम ये क्यों? तो बस वो फिर मैं गुनगुनाता रहता था, मेडिकल कॉलेज में आ गया तो दिमाग में बस वही था। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा मौका फराहम किया कि लाहौर में जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था अला मैगोल मेडिकल कॉलेज, खान साहब से फिर मेरी मुलाकात हुई मेहदी हसन साहब, उन्होंने मुझे बाकायदा शागिर्द किया अपना। अच्छा, मेरे और बाद में मुझे सुना उन्होंने जब बताया, तारी साहब अब्दुस्तार तारी साहब हैं तबले पे, हाँ उन्होंने जब उनको बताया ये डॉक्टर साहब हैं और ये सिर्फ बचपन से आपको ही सुनते हैं, सिर्फ आपको ही गाते हैं, तो उन्होंने बगैर मुझे सुने मुझे अपने अशगिर्द किया बाकायदा अशगिर्द किया, और उसके बाद मुझे कहा कि आप कुछ सुनाए, यानी उस पर इतना इतबार किया उन्होंने। तो इस तरह अच्छा भी अभी कुछ सुनाइए। और दोनों चीज़ें जो है साथ ले कर चलना बहुत मुश्किल था, डॉक्टरी आप खुद ही आपको पता है कि वो फुल टाइम जॉब है, बल्कि उसमें मेरी स्पेशलिटी एनेस्थीसिया है जो ऑपरेशन थिएटर में टाइम गुजरता, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैं गुनगुना गुना के ना उनको सर्जन को सुनाता था। अच्छा। वो कहते थे कि भाई, और मैं ये मजाक से नहीं कहता, ये बात सही है कि ज़्यादा रियाज मेरा ऑपरेशन थिएटर में है ना, लंबा ऑपरेशन है 2-3 घंटे का, सर्जन ने कहना यार फलानी गज़ल थोड़ी सी सुना दो ऑपरेशन करते हुए। हाँ जी, मरीज सुबह होश है ना तो वो चल रहा होता था, तो उसमें बल्कि ज्यादा अच्छा काम होता था। सर आप हमें भी कुछ गा के सुनाइए। अभी खास साहब का ये फिल्मी गाना कोई लाइट सा ईद का मौका सर, जो आप चाहें, जो आप चाहें, जो मुझे पसंद भी है। बहारों से कह दिया एक चौदहवें के चांद ने, तारों से कह दिया दुनिया किसे के प्यार, जन्नत से कम एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया से प्यार क्या बात।
तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो, मोहब्बत के शान हो, जाने वफा हो, मोहब्बत के शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसे प्यार में हो, वाह वाह थैंक यू डॉक्टर साहब, यकीन करें आप माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा सुर में गाया और कई जगह तो आपने बहुत खूबसूरत जगह ली सर, आपका जो स्टाइल है ना वो बिल्कुल मेहदी हसन वाला है, वो आवाज का वॉल्यूम भी और उसी तरह आप बिल्कुल उसी तरह गाते हैं और आप बहुत खूबसूरत गाते हैं। जी सर, मैं बेटा बात कर लूं, ये है कि यकीन करें अगर कोई मेरे सामने गाए ना मुझे थोड़ी सी बहुत ही सेंस है गाने की सुनने की, आपको बहुत है सुनने की आती, अगर कोई पैड़ा गाए ना मैंने कहना भाई इसको बंद कर लेना गाए ये आपका काम नहीं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गाएं। जी मेरे लिए बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है आपके लिए। अच्छा सर, आप जब सोना चांदी का कैरेक्टर करते थे उसमें कुछ टप्पे भी होते थे? हाँ मैं टप्पों की बात बताऊं सर, मैं, कुछ याद है आपको? हाँ ना, मैं ये फोक है वो तो चलते हैं, मैं ना जी जब संत नगर में रहता था तो एक बैठक भी किराए पर ली मैंने 20 रुपए की, तो उसमें वाशरूम वगैरह नहीं था तो वहीं रहता था, तो वहाँ तंदूर पर रोटी खाता था मैं। एक दिन मैं गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, तो वो लड़की भी अल्लाह उसको खुश रखे परवरदिगार, शादी उसकी नई नहीं हुई थी, उसका जो खामन था वो भी बहुत अच्छा था, वो माइंड नहीं करता था। मैंने कहा कि अगर हम इसको कहा कि रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, मैंने क्या दें खाना, उसने मुझे रोटी दे दी। मैं कहा कुछ बाहर में कहा अच्छा मैं बाहर खड़ा रहा ताकि सब बंदे चले जाएं, जब फिर मैं जाऊँ अगर लोगों को पता ना चले, मैं बैठ गया खा खो के, मैंने कहा कहीं पैसे, मैं कह पैसे तो मेरे पास नहीं है, कहीं है तो फिर खाना क्यों खाया, मैं कहता तो ऐसा कर मुझसे ना तू माइया सुन ले। अच्छा कहीं चल सुना, तो फिर मैंने उसको माइया सुनाया, और जब मैंने माइया सुनाया ना उसके बाद मुझे उसने कहा कि ऐसा किया करो तुम आया करो बाद में, और तुमने पैसे नहीं देने, अब माइया सुनाया करो रोटियाँ को मुफ्त मिलेगी। फिर वो मुझे रोटी लगा के देती थी छंड के, और जो दाल वाल होती उसको फ्राई करके देती थी। अच्छा। तो फिर मुझे याद आज तक है, बस अच्छे लोग थे, अच्छा टाइम था, वक्त था। हाँ जब सोना चांदी हिट हुआ तो फिर मैं वहाँ गया। अच्छा। और वहाँ जाके मैंने ना उनको मिलने, तो वो लोग दीवारों इधर खड़े हैं, लोग बड़े हैं, कहती मैं कहती थी ना ऐ सोना इतने रोटी खाता रहे मेरे को, ऐ देखो आ गया जी लो जी कोठड़े ते कोठड़ा मही कोठे सुख दिया तोरिया कालियां रातां जाग के वे मैं नपियां तेरिया चोरिया वे चन किता गुजारी आई रात वे मैला दिल दलीला दीवाट वे चल किथा गुजारी आई किथा गुजारी। तो फिर मैं रोटी खा लूँ मुफ्त। अच्छा सर, जब आपका सोना चांदी हिट हो गया लोग आपको पहचान लेते थे तो आपके क्या तासुरात होते थे? बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ताला शुक्र है परवरदिगार की ख्वाहिश थी अल्लाह ने पूरी कर दी, तो बस मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर हिट हो जाएगा, इस कदर लोग दुनिया में जहाँ लोग उर्दू पंजाबी समझते हैं ना तो वहाँ सोना चांदी है, जहाँ भी हम गए हैं तो कई दुकानों में लिखा था सोना चांदी सरदार की दुकान। जब से बचपन में वो पैसे मिलते थे तो उससे पहले ये पैसे मैं जमा करता था, एक आना वो होता आना पैसा मोरी वाला 2 आने 8 आने 4 आने रुपया, तो वो सिक्के होते थे
अच्छा मैंने उनको ना एक जगह चोली करके दफन कर देता था मिट्टी लगा के, फिर मैंने कहा अच्छा अब ईद में इतने दिन रह गए हैं, अच्छा फिर उसको निकालना, पैसों को गिनना, ये करना, फिर उसमें और डालना, फिर जमा कर देने, फिर जमा कर देने, फिर अच्छा अब ईद में इतने दिन रह गए हैं। और यकीन करें कि वो पैसे होते थे, एक रुपया मिलता था मुझे याद है, जब कहीं से ठंडी मिल गई सारा दिन खर्च करते थे। पहले तो हम पान खाते थे ना, पान खा के तक पता लगे अपने कपड़े भी ख़राब कर लेने। अच्छा जब और सिक्के रखते थे, और जब जब नमाज पढ़ने जाना ना, मैंने पता नहीं क्या चलाकी करता था मैं जब सजदे में जाता था मेरे पैसे तड़ंग करके निकाल देता था, ताकि तड़ंग करके आवाज़ आए, लोगों को पता चले कि इसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं इसके पास। फिर वो घूमड़े होते थे वहाँ बैठ जाना, तो वो घोड़े भी बैठ के मतलब जुत्ती उतार रहे उसको मारने से करे अच्छा सर एक ईद होती है गुमनामी की ईद, एक ईद होती है शोहरत की ईद, तो जब आपने हिट होने के बाद जब आप ईदगाह जाते थे तो क्या रिएक्शन, क्या तासुरात होते थे लोग? बस फिर वो बस लोग देखने आते थे तो खुशी होती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करता था अल्लाह का। मुझे एक लड़का मिला, कहने लगा जी को मेरी फुफी ना वह बड़ा कुटदा होंदा सीगा। अच्छा तो मैं क्यों, कहना जी जो ड्रामा बेबी थी ना छोटी, कहने जी मैं ना शादी करनी नहीं मैं ना शादी करनी। अच्छा फिर क्या मेरे उन्होंने वो प्यो ने उन्होंने मना किया वो बात ना आए, फिर एक बार मेरे उन्होंने बड़ा कुटा थे प्यो बड़ा कुटा, उन्हें क्या वो शादी हुई है, कहती प्यो हो ही हो मैं फिर शादी कर रही हूँ। तो मैं उन्होंने पूछा मैंने कहा वो कहाँ है, कहते वो फौत हो गई। आप उनका क्रश होंगे ना। एक जगह हम गए ना ये सोना चाहती है, हम कहते ना कि इतनी हाइट मिली इतना नाम मिला, तो मैं और शिबा यहाँ ड्रामा कर रहे थे पीटीवी पे रिकॉर्डिंग थी, तो फिर लियाकत आल इस्लामाबाद में हम जाते थे ड्रामा करने के लिए, तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे ना जहाज़ लैंड किया तो सोना चांदी हिट था, तो वहाँ प्रेस भी पहुँचा हुआ, तो उसका मियाँ भी आया हुआ था, तो मियाँ भी खड़ा था साथ, प्रेस वाले कहने लगे लाला साहब लोग आपको ना मियाँ भी समझते हैं, मैंने कहा इसका मियाँ भी यही समझते हैं। हाँ जी शो इतना वो लोगों के जहन के अंदर ना कोई ताज़ा। इसी तरह शो में किसी ने शीबा से पूछा एंकर ने कि जी आपका इस दोनों का रिश्ता क्या है, कहती है मेरा मुँह वाला खाम होता है। उन्होंने कहा भरा होता मुँह वाला, ते प्यो हो जाता है माँ हो जाती, तो यह खाम नहीं हो सकता सुतेला खाम होता मुँह पर लगा। तो साउथ अफ्रीका से मुझे फोन आया, वो मेरा प्रोफेसर था मशीर साहब, उन्होंने कहा कहते यार वो हम बड़ा हंसे इसने क्या कह दिया यार। वाकई मुँह बोला भाई सुना है, मुँह बोला खामा एक नई टर्म है। अच्छा सर कभी ऐसा हुआ है कि आप जो हैं ईद के दिनों में भी अपनी आप प्रोफेशनल जिम्मेदारियां साथ साथ निभा रहे हैं? हाँ जी ड्यूटी लग जाती है ईद वाले, बहुत ड्यूटियाँ की ईद वाले दिन। अच्छा हाँ ये तो मरीज होना तो बीमार होना ही होना, ऑपरेशन होना ही। असल में डॉक्टर और फरिश्ते की छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जर्नलिस्ट की भी नहीं, जर्नलिस्ट को फिर थोड़ी लेवरेज हो जाती है, लेकिन डॉक्टर का ये पेशा है कि आप कहीं भी हैं तो आपने जाना है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो अल्लाह के बाद डॉक्टर के हाथों में होता है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। बेशक इबादत है ये, यकीन करें ये दुनिया में अगर जो प्रोफेशन है ना जिसके साथ अल्लाह ताला उनकी नेकियां दर्ज लिख रहा है वो डॉक्टर का पेशा है, और ये बहुत बड़ा पेशा है। और साथ ये मौसीकी भी, ये भी रूह की गजा है। नहीं ये जो ना ये मौसीकी इन दोनों को साथ साथ लेके चलना, पैरेलल लेके चलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये ना कि मौसीकी हो गई, पेंटिंग हो गई, आर्ट जो है वो ना दुनिया से जो डिप्रेशन टेंशन उससे बचे रहते हैं, क्योंकि वो उधर लगे हुए अपने पेंटिंग में लगे हुए, ये गाने में लगे हुए हैं, तो इस पे समझिए अल्लाह की रहमत है। आजकल दुनिया में चौथा बंदा तो बेकार है, हर डिप्रेशन का शिकार है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जी मैं रोंदे देखे लोग खुदा की कसम, बस अल्लाह ताला जो औलाद है ना वो बात दबो, बस बड़े बड़े मतलब सरमायादा दे के बैठे रोते हुए कि जी औलाद बस नहीं, औलाद बुढ़े करती इंसान में, वरना इंसान नहीं बुढ़ा होता। और सर ये इस तरह के जो है ना, जैसे आपने पेंटिंग का जिक्र किया, मौसीकी का किया, ये आपकी सोल को ना एनर्जेटिक रखते हैं, आप फ्रेश रहते हैं इंटरनली, आपके पास अगर कोई अच्छी हॉबी हो तो। बस ये अल्लाह की अता होती है, ये टैलेंट होता बेसिक, हर बंदे में ये नहीं होता चीज़, ठीक। अब शायर है
वो अलग तरह से शायर है। वो जब वो शेर कहते हैं तो वो हवा में कुछ चीज़ है जिसको बांध लेते हैं, बस ये वही की तरह। और सर ने बड़ी जल्दी फील कर लिया, ना 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 कि आपकी समातों को अट्रैक्ट क्या करती है चीज़, तो सर ने बड़ी जल्दी इस चीज़ को पिक कर लिया कि ये मेरा रुझान है इस तरह। अच्छा मज़े की बात ये है, आप तो गाते हैं ना, ये जो चीज़ को फेल या पास करते हैं ना, वो गाना नहीं गाते ना, उनको पता है सुर का। जब कोई सिंगर बेसुरा होगा वो के ओए शुरू हो जाएंगे। नहीं तो लाहौर वाले जो हैं बड़े सुलवैये हैं बड़े, और मेरे उस्ताद मेहदी साहब कहा करते थे कि जिसने लाहौर में गा लिया उसने पूरी दुनिया में गा लिया, कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये माफ़ नहीं करते। जो लाहौर में स्टैंड कर गया ना, सियासत हो आर्ट हो कुछ हो, वो पूरी दुनिया में हिट है। अच्छा सर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद एक वक्फे के बाद। अच्छा गुफ्तगू दोबारा सिलसिला कलाम हम लोग जोड़ने से पहले खालिद साहब से कुछ सुनना चाहेंगे और उसके बाद हम गुफ्तगू का बकायदा आगाज़ करेंगे। जी सर, चंद शेर पेश करता हूँ सूफी गुलाम मुस्तफा वसम साहब के। ऐसा ना हो के दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा न हो कि तुम भी मदावा ना कर सको, ये क्या के एक जान को अल्लाह करे जहाँ को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा ना कर सको, ये क्या एक जाको करो वक्फे इस तरह, ये क्या के एक दिल को शके ना कर सको, ये क्या बहुत खूबसूरत, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। सर आपने कभी ईद त्यौहार पे अपने घर में भी सुनाया कलाम, कभी कोई घर में ऐसी गैदरिंग हो? हाँ घर में हो जाते हैं फंक्शन, कभी कोई यार दोस्त आए। हाँ तो कसम का कलाम आपने सुनाया, इसको गाना भी आसान काम नहीं। जेड़े फनकार होते हैं ना उनकी घर में इज्जत नहीं होती, वो कहते हैं बंद भी कर देते हैं लगी रहती है हर वक्त बात। हाँ जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें, चीज़ें कितने दी कितने पहुँच गई हैं उसी ज़्यादा महफिल। आप कितने भी बड़े आदमी हो घर वाले इतना सीरियस नहीं लेते? नहीं नहीं, घर के लिए दाल बराबर है कहते हैं ना, मुर्गी दाल बराबर। जैसे प्रोफेसर घर में ज़्यादा बात करें तो घर वाले कहते हैं लेक्चर ना दिया करो। हर वक्त नसीहतें, हर वक्त नसीहतें, बस भी करो। इस तरह का ये गाना है इसकी ज़्यादा महफिलें होती हैं घरों में, और बाकी जो आजकल मौसीकी जो हो रही है वो तो मेरा ख्याल रूह की गुजार नहीं है, वो उल्टा रूह की मेरा ख्याल बेचैनी है। सर उसके साथ कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कमाल की बात है। कमाल की बात ये है कि जब जाते हैं ना ये बाहर गाते हैं सिंगर आर्टिस्ट जो होते हैं बाहर जाके गाते हैं तो बड़ी दाद मिलती है, वो घर वाले हैरान होते हैं कि है इतनी अनिज्जत है। वैसे भी मेरे ख्याल में कि रूह की गजा जो है वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही है, ये ठीक है एक इल्म है उसको आप खूबसूरत है। अच्छा आप कह रहे थे कि इतना ये
इसका क्या ताल्लुक है, ये भी साइंस है और फिजिक्स है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़े हुए हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं मौसीकी के, एक सुर यानी फ्रीक्वेंसी, 12 फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल पूरी दुनिया में राइज हैं जिस पर गाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश में आ जाए, उर्दू में, पश्तो में, जो वो हो गई फ्रीक्वेंसी और फिजिक्स, ये फिजिक्स है। दूसरा है तबला, टाइम, उसको हम टाइम कहते हैं, बीट जो है इतने टाइम में आपने इतना इसको कर, वो भी फिजिक्स है। अब आप कहेंगे फिजिक्स तो बड़ा बोर सब्जेक्ट है तो ये इतना खूबसूरत कैसे हो जाता है, दोनों चीज़ें फिजिक्स हैं, दोनों कंपोनेंट मौसीकी के। उसमें खूबसूरती इसलिए आ जाती है कि वो जब परफेक्शन के साथ फ्रीक्वेंसी लगती है उस वजह से, दूसरा उसमें आपकी फीलिंग्स जब आती हैं वो शायरी की वो सारी जो होती है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि आपने मौसीकी को बाकायदा साइंस के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, मैंने सुना है कि अब मौसीकी से इलाज भी होते हैं आज। हाँ बिल्कुल, किसी हद तक ये हो सकता है, ये काफ़ी हद तक सुना है सर, लोग इसे अब एज ए थेरेपी भी लेते हैं। जी जी, जिस तरह आप देखें ना, वो भी तो सुर में ही है ना, जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरत रहमान कान में पढ़ते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा है ठीक होते हुए देखा है, तो वो इफेक्ट होता होगा। अब देखो ना, लोग अब जब नुसरत फतेह अली बाहर जाते कवाली गाते थे, कितना मोहब्बत था, और उनको पता भी नहीं कि क्या है, लेकिन वहाँ रिदम और सुर चल रहा है और वो नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं भी समझ पा रहे होते थे ना अगर उस कलाम को, तो फिर भी वो एंजॉय कर रहे होते थे, नाच रहे करते थे, और काफी लोग सेहतयाब भी होते। हां जी, महफिल समा के दौरान भी हो जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने बात की कि इंसान कितना भी बड़ा आदमी हो, घर वाले नहीं कदर करते, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है घर में? नहीं, असल जी मैं ना उन्हों को डरते रहना है, मैं उनकी इतनी डरते हैं बता ही नहीं रहे, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं, इतनी इज्जत करता हूं, उनको मेरी इज्जत करनी पड़ जाती है। तो अगर बेगम नाराज हो जाए, मैं कहता हूं कदीते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदीते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। और कोई हंस पैंती हो वो कहती चलो ठीक है, गुस्सा खत्म हो जाए, उन्हें वो गुस्सा अचानक कर दी ताकि गाना गावे तो मैंने मुला। अच्छा मिस नशीन साहब, आप बताइए, आप मजीद जो है दूसरे तीसरे दिन की गैदरिंग्स के अंदर आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? पहला दिन तो हमारे घर मेहमान आते हैं, दूसरे दिन हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, हमारा दिन होता है, तीसरा दिन हम टीवी देखते हैं, या पहले दिन आप मेजबानी करती हैं, दूसरे दिन आप मेहमान, तीसरा दिन आराम का दिन होता है क्योंकि छुट्टी भी होती है वर्किंग लेडीज के लिए, तीसरे दिन फिर मना रहा होता है इंसान की अब अगले दिन ईद खत्म, अब हमने काम पे जाना है। और सर आपका दूसरा तीसरा दिन कैसे गुजरता है? ईद वाला दिन अगर मेरी छुट्टी हो ईद वाला दिन, तो ज्यादा सो के गुजरते तो सारे रमजान की जो थकावट होती है। डॉक्टर साहब रियाज में नहीं कर सकता पानी को? रियाज करते हो? हां रियाज, नहीं रियाज ज्यादा होता नहीं। सर आप रियाज के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? वो ये होता है कि अब ये अगर इतना यार दोस्त सुनते हैं हफ्ते में 2-3-4 दफा, तो वही रियाज होता है। बल्कि मेरे उस्ताद ने भी यही कहा था, मेहदी हसन साहब ने, उन्होंने कहा था कि इसके पास टाइम तो होना नहीं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो मेरे आप फिल्मी गाने या गजलें गाती हैं आपके लिए सिर्फ यही रियाज है। वाह वाह, असल में ये ना डिपेंड करता है मूड पे, तो जस ये हर इंसान के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, हम पानी जब पीते हैं कि प्यास लगती है, तो खाना खाना है वो भी सेंसर बताता है, तो अंदर हमें यानी कि जहाँ खारिश हो रही है वो अंदर एक फितरत ने कुदरत ने सेंसर लगाए हुए हैं, वो बताते हैं हमें, फिर इनका मूड होता है कि अब मैं गाऊं, गुनगुनाऊं, वो इस तरह होता है। मैंने कई सिंगर देखे हैं कि आम मतलब के जा रहे ने, तो वो कोई ऐ जरा पात रहा ऐ जरा मैं डार साहब को जाना, वो भी लग रहे हैं उसे। इस तरह होता है बस, मुझे बारिश में बड़ा अच्छा लगता है गाना, बारिश हुई अचानक मैं उठा और तो बेगम कह रही क्या हो गया, मैं हारमोनियम पकड़ा और अकेला बैठ के गाने शुरू। वाह, डॉक्टर साहब बारिश के राग भी होते हैं? राग हैं बिल्कुल हैं, कुछ ऐसे राग भी हैं जिनसे सुना के बारिश। अच्छा, नेचर जो है ना वो फनकार के मूड को इफेक्ट करती है, जैसे आपने भी बारिश का जिक्र किया है कि बारिश जो है उसके अंदर मेरा मूड थोड़ा सा बदल जाता है और मैं वो सिंगिंग एंजॉय करता हूँ। जब बादल आते ना ऐसे उड़ते उड़ते आते, वो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे वो बादल होते हैं बचपन से मुझे अच्छे लगते हैं,
सर ये लोग हसास तबीयत के भी होते हैं, इस तरह को पेंटिंग्स शायरी मौसीकी पसंद करते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। अंदर के मौसम ठीक हो ना बाहर के मौसम अच्छा लगता है, अंदर का मौसम ठीक ना हो तो बाहर के मौसम बुरे लगते हैं। सर अंदर तो मौसम आते जाते रहते हैं, अंदर का भी मौसम परमानेंट है। बस अल्लाह सबके अच्छे मौसम कायम रखे परवरदिगार। और ये जो आप पूछ रही थी कि अभी कि ये राग होते हैं जिससे कोई बारिश हो जाए या वो, देखे अगर सुर के इफेक्ट से आपको इतना फील होना शुरू हो जाए कि जून का महीना है, बाहर लू चल रही है और आपको नहीं पता कि बाहर क्या है और अंदर आप सुन रहे हैं कोई मल्हार या कि, तो आपको फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी जिस तरह बाहर बारिश होगी, तो ये थोड़ा ये भी बहुत बड़ी बात। तो ये इफेक्ट हैं, उनके कॉम्बिनेशन है सुरों के जिससे ये इफेक्ट बनता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके महसूसात ही बदल जाएं एक चीज के साथ, ऐसे लगे कि जैसे हो सकता है बाहर बारिश हो रही होगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है वो पुराने जमाने में जो कहते थे वो बाकी वो दिए जल जाते थे और वो रोशनी हो जाती थी, हो सकता है ये बात में उसकी साइंस जो है ना डॉक्टर साहब वो ये है कि ये नहीं कि गाना गाया तो बारिश शुरू हुई, नहीं वो फितरत के अंदर ना वो सिग्नल, यानी कि जब जलजला आता है ना ये जानवर है इनको एहसास हो जाता है कि जलजला आता है, उनको पहले पता चल जाता है, पता चलता है। इसी तरह जो इंसान है ना जो आर्टिस्ट है उसको उस फीलिंग शुरू हो जाती है कि मैं ये राग गाऊँ तो वो गाते हैं तो बारिश हो जाती है, बारिश वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है किसी ने होना ही होना है। और कमाल ये होता है कि वो दूसरों को भी इस फीलिंग में इनवाइट कर लेता है, उनको भी साथ जोड़ लेता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको भी एग्जैक्टली वही एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है, वही फील आने लगती है, यानी जो तसव्वुर की दुनिया वो देख रहा होता है वो दूसरों को दिखाने में भी कामयाब हो जाता है। ये कमाल होता है इसका फनकार का। और सर आपका भी कोई इंटरेस्ट मौसीकी में, क्योंकि आप भी टप्पे वप्पे गाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत कर लीजिए। सर आप सुनाएं कोई आपको ड्रामे का याद हो तो। नहीं ये मैं सुनाया ना जो पहले सुनाया था, माइया सुनाया था वो ड्रामे का था, तो ये नहीं कोई और ऐसा है। ये था शौकत अली का था जो मैंने, ये उन्होंने लिखा भी यही था, बाद में इंडिया में इसको गाया गया है। बस ठीक है शुक्र है, हल्का फुल्का गुनगुना लेते। मुझे ना शौक था इसका, तो मुझे कई लोगों ने शादा मिली ने मुझे कहा, अच्छा। मैं टीवी पे गा रहा था ऐसे मैंने गाया तो शादा मिली कहती आई भाग के आई, कहती राणा आप गाओ गाओ गाया करो, मैं कह नहीं मैं नहीं गा, कहती नहीं मेरे लिए गाओ प्लीज़। अच्छा मैंने ये सोचा कि अगर मैं गाने की तरफ चला गया ना फिर मैं इधर एक्टिंग नहीं कर सकता, मैंने कहा एक को शोभा काफ़ी है क्योंकि ये बड़ा भारा काम है, फोकल पॉइंट भी ज़रूरी है। तो सर कुछ याद करें आपको इसके, ये जो आपने सुनाया माइया, इसके अलावा कुछ बस मुझे जो आपको पसंद हो। मैं कहना काफी ठीक हो गया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये इंडियन सॉन्ग है वैसे, मुझे भी बड़ा पसंद है। जो अच्छी चीज़ अच्छी है। हाँ जी। अच्छा खालिद साहब कभी ऐसी नौबत आई है कि आपकी बेगम नाराज हो और आप उनको हारमोनियम लेके बैठ गए हो गाना सुनाने? ये नौबत वैसे कम ही आती है क्योंकि मुलाकात कम होती है, कभी उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में कभी मेरी ड्यूटी। बहरहाल उसकी पसंद के कुछ गाने हैं, उनमें एक वही इंडिया का गाना है तलत महमूद का, दिल मतवाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ गया। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि किसी महफिल में मैं गा रहा था वहाँ, अव्वल तो अब कम ही साथ जाती है क्योंकि रोज़ वही थोड़ी वाली गाल के कार दी मुर्गी दाल भरा, तो वो उधर और ख़वातीन फरमाइशें कर रही थी अपनी अपनी जगह से, तो मैं उनकी सुना रहा था। उसने एक दो दफ़ा मुझे कहा कि वो मेरे वाला गाना भी सुनाओ, मैंने टाल दिया, मैंने कहा चलो तो घर में भी सुना लोगे या वैसे भी सुनाते रहते। वो फिर घर में आकर थोड़ी सी ना नाराजगी हुई कि भाई उन्होंने दी फरमाइशें पड़ी है सुना ऐसे मेरी करेंगे नहीं कहते थोड़ी थोड़ी नहीं सुनता इतना जो डॉक्टर साहब आप भी गुनगुना लेती हैं? मैं तो सुनने से शौक रखती हूं, सुनने का शौक, वो तो जाहिर है मौसीकी तो हर इंसान को अच्छी लगती है। अच्छा मिसेज भी मेरी डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी उसकी ड्यूटी होती है वो हॉस्पिटल में बिजी कभी। अच्छा सर तो अपनी वाइफ्स को मनाने के लिए गुनगुनाते हैं, तो कभी आपके हस्बैंड ने भी आपके लिए कुछ गुनगुनाया है? मुझे जिन्होंने जो भी सुनाया मैं यहाँ नहीं सुना। अच्छा इतना बेसुरा गाते हैं? बेसुरा तो नहीं गाते, अच्छा गाते हैं लेकिन इधर नहीं बता सकते। वो गाने में बिजी करते हैं डरते मारे कह रही हूं। अच्छा सर आपको कोई वाकया याद हो ड्रामे की जब शूटिंग हो रही थी, कोई ऐसा जो अभी तक आपकी यादों में नक्श है?
अच्छा, लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, पता नहीं है। ये एक कमाल की बात ये है कि जब हमारी रिकॉर्डिंग होती थी ना सोना चांदी की, तो शीबा को इस फील्ड में मैं लेके आया। हाँ, पहले स्टेज पे हमने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तो हमारी लड़ाई बड़ी होती थी ऑफ द कैमरा। अच्छा, लड़ते, यानी कि कुछ सोच नहीं सकता कि अब ये सीन करेंगे, लेकिन फिर हम जाते थे तो फिर किसी को लगता नहीं था कि इनकी लड़ाई भी हुई है। फिर उस दिन चांदी सोने अच्छा वही केमिस्ट्री फिर जो क्रिएट होती थी ना वो स्क्रीन पे नजर आती, वही फीलिंग, वही लाइवलीनेस और वही फीलिंग, उसी मूड में आ जाती है। अच्छा, तो कभी कोई ऐसी लड़ाई भी हुई है कि आप कहें मैंने सीन ही नहीं करना, मैंने नहीं करना? वो तो फिर सीरियल बंद हो जाएगा, वो तो नहीं। हाँ, शीबा एक दफा चली गई थी छोड़ के, तो फिर उसको मैंने कहा आ जाओ। किन बातों पे सर आपका झगड़ा ज्यादा होता था? वो ऐसी किसी टॉप किसी डायलॉग पे हो गया, किसी बात पे हो गया, ऐ तू तूने क्यों बात की, ये मैंने करनी थी ये। अच्छा। तो हाँ, मैंने कहा अच्छा तू कह रहा तू कर रही। असल में बात ये है कि हमारी जो ना केमिस्ट्री बहुत मिलती है, और जब हम डायलॉग बोलते थे ना, कभी ये होता था कि यानी कि जो फिक्र मैंने कहा तो उसने कहा ये तो मैं कहने वाली थी, मेरे जेहन में यही लाइन थी, तो फिर आपने बोल दी, आपने बोल दी, फिर मैं कहता अच्छा तू बोल रही। तो उसने ज़िंदगी में जो भी उसका बड़ा पान है, जो भी उसने काम किया ज़िंदगी में, उसने मुझसे पूछ के किया है, और मैंने ईमानदारी के साथ कभी वो उसको काम नहीं कहा जिसमें उसका नुकसान हो। बस इस हद तक वो मेरा करती है, एतमाद करती है, कि उसका मियाँ मेरे पास आता था, यार उसको टेलीफोन कर दो खुदा के लिए। अच्छा। ये काम करने कर दे, तो मैं उसे कहता, मैं कह पहले मैं देखूँगा वो बात, उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा उसका। जब मुझे महसूस होता था कि उसका फ़ायदा है, फिर मैं बात करता था। मुखलिस दोस्त की पहचान मिली है कि वो मशवरा अच्छा देता था। तो वील चलने वाले सीरियल्स में, और इसमें कुछ ना कुछ पोशीदा मैसेज भी होता था। वो मुन्नू भाई ने देखे, उस वक्त जो लोग थे ना, वो लिखने वाले अच्छे, काम करने वाले अच्छे, डायरेक्टर अच्छे, देखने वाले अच्छे, तो इसको कहते हैं दौर। तो अल्लाह ने हमें अच्छे दौर में पैदा किया, और अच्छे दौर में अच्छा काम ले लिया। सर, लिखने वालों का मकसद भी तब इस्लाह होता था। हाँ। इस्लाह होता था, पॉजिटिविटी होती थी, अच्छा पैगाम होता था, यानी बेमकसद ड्रामे, बेमकसद तहरीरें नहीं थी। जो भी काम करते थे उसमें अल्लाह, और देखने वाले भी बाज़ौक थे। नहीं, मुझे कहा जी आपने वो सोना चांदी के बाद कुछ नहीं, मैं कह अल्लाह ने आखिरी काम पहले करवा लिया, मैं क्या करा। हर आदमी, हर प्लेयर हर बार पे छक्का लगाना चाहता है, हम तो चाहते हैं, लेकिन वो पहले बाल पे छक्का लग गया। और सर, हम तो वैसे भी आजकल शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं। नहीं अल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ। ईद की इन खुशियों में और गैदरिंग्स में हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो ईद की खुशियाँ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की वजह से, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपकी पुलिस फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, जो ईद की खुशियों में अपनी फैमिली के साथ उस तरह नहीं शरीक हो पाते जिस तरह से हम शिरकत करके मेज़बानी और मेहमानी का लुत्फ़ हासिल करते हैं, तो हमें उन लोगों को भी अपने अपने ईद को सेलिब्रेट करते हुए याद रखना चाहिए और उनके लिए भी दुआगो रहना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम के अहतमाम की तरफ बढ़ते हैं, और खालिद साहब आप प्रोग्राम में कुछ सुनाइए। इसके साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल, जो कि फैज़ साहब कहा करते थे कि ये अब आप नदी एस एम सी सुने आप। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो करो, कफ़स उदास, कफ़स उदास है यारो कफ़स उदास
पास है यारो 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 कफस उदास है यारो सब से कुछ ही तो कहो कहीं तो मेरे खुदा आज जिक्र यार चले चले बादेनों बहार चले।